हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में और चम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ठीक है एजुकेशन अकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका एक पार्ट अपलोड किया था जिसमें हमने आपको क्या कराया था बच्चों, डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला कराया था। और उम्मीद करता हूं कि वो सेपरेट वीडियो में आपको डेरिवेशन कराई गई थी और आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्दर एग्जांपल्स, यानी कि डेरिवेशन तो अपने सीख लिए सेक्शन फॉर्मूले की, अब उसकी यूज सीखेंगे कि उसका यूज कैसे करते हैं ना। चलिए तो स्टार्ट करते अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी में। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहता है एनसीईआरटी का, कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी कि इन दोनों पॉइंट को जॉइन करने से जो लाइन बनती है, चेक करते हैं बेटा कौन सी लाइन बनती है। तो ये रहे वो दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये रहा लेट से और एक पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है वो है लाइन ए बी, क्योंकि मैंने एक को ए मान लिया है भाई। ए पॉइंट हो गया 4, -3, एक को मैंने बी मान लिया है जो कि है आपका 8, 5। अब आप समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाने जा रहा हूं। कहता है कि फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है मेरे भाई। तो मान लो कि वो पॉइंट यहां पर रहा होगा, लेट से पी पॉइंट है कोई x, y। ये पॉइंट ने क्या करा, ये पॉइंट ने ये पॉइंट ने क्या किया बेटा, इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया, पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर दिया, है ना, पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो किस रेशियो में डिवाइड किया, वो आपको दे रखा है 3:1 के रेशियो में डिवाइड किया, चेक कर लो। और इंटरनली डिवाइड किया, इंटरनली और एक्सटर्नली का मतलब समझते बेटा, इंटरनली का मतलब ये होता है कि जो लाइन है वो डिवाइड हो रही है इंटरनली यानी कि अंदर, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब डॉटेड डॉटेड बाहर की तरफ से डिवाइड होगा। लेकिन इन दैट केस अगर बाहर की तरफ से डिवाइड होता है तो ये बात याद रखना कि सेक्शन फॉर्मूले में जो साइन है, जो मैंने आपको बताया था, जो साइन है वो बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। चलिए अब आगे की बात कर लें। चलो बहुत ध्यान से समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन फॉर्मूला है वो कैसे वर्क करता है। आपको याद करने का तरीका क्या है कि आप इसका इसके साथ करो और इसका इसके साथ करो, है ना। देखिए तो पॉइंट पी यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन यही है, तो कोऑर्डिनेट किसके निकालने, पी के। तो बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट दैट इज x, y, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला याद करने का तरीका, इसको इसके साथ। तो देखो ये आपका क्या होता है बेटा, इसको मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका m1, ये होता है m2, इसको हम कहते हैं x1, y1, ठीक है, और इसको हम कहते हैं x2, y2, ठीक है भाई। तो देखो आप क्लियरली देख सकते हो m1 x2 m2 x1, ठीक है भाई, ठीक है। तो फॉर्मूला समझ में आया, m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1, होल अपॉन में m1 प्लस m2। ओहो चलिए सिमिलरली y वाली टर्म निकालेंगे, तो m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1, समझ में आया बेटा, अपॉन में m1 प्लस m2। ओके तो देखिए इजी सा चैप्टर है और ये पूरा टॉपिक ही इजी है, तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में या डीपली नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे इसको, तो हो सकता है कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चनों में आपको हिंट भी दूं, है ना, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे तो बेटा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मेरे को कैलकुलेट करने हैं, तो वो तो एज इट इज
लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड की बात करते हो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, एम वन की वैल्यू 3 है चेक कर लो और एक्स टू की वैल्यू 8 है भाई, वैल्यू पुट करें खाली, एम टू की वैल्यू 1 है, एक्स वन की वैल्यू 4 है अपॉन में एम वन प्लस एम टू, तो यानी कि 3 + 1 चेक कर लो, ठीक है भाई, कॉमा वाई, तो एम वन की वैल्यू 3, वाई टू की वैल्यू 5 प्लस एम टू की वैल्यू 1 और वाई वन की वैल्यू है -3 चेक कर लो, ठीक है बच्चों, -3 अपॉन एम वन प्लस एम टू यानी कि 3 + 1 डन 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 डन। सो पी पॉइंट आप देखते हैं 24 4 एकम 4 प्लस 4 और 3 और 1 4, ठीक है बच्चों, 5 3 15 और 3 1 3 माइनस का अपॉन 3 + 1 4 ओके। अब फर्दर आगे देखिए भाई, पी पॉइंट कितना देख पा रहे हैं, 24 और 4 28 अपॉन में 4, ठीक है, और सिमिलरली 15 में से 3 गया तो 12 अपॉन में 4 भाई, देखो ये तो कैंसिल हो गया, 4 3 12 है ना, बट यहां पे ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो 2 टाइम्स में ये और नहीं 4 7 28 हो तो रहा है, पूरा कैंसिल पूरा हो रहा है भैया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, 4 7 20 है ना, 7 6 28 होता है क्योंकि, तो पी पॉइंट आपका डायरेक्ट आ गया 7.3 भाई, चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो बेटा, है किसी को कोई दिक्कत, ओके नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए थी बेटा, होनी भी नहीं चाहिए थी, और नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, होप सो सभी को समझ में आया बच्चों अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो ये आपका हो गया भैया आंसर, आपको ये निकाला था पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो इस पॉइंट ने इस लाइन को 3:7 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है, और ये पॉइंट क्या है, 7.3। उम्मीद करता हूं आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। तो कहता है कि इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो इस बार क्या बोला इसने, इस बार क्वेश्चन है ना उल्टा हो गया है, देखो इस बार उसने क्या बोला है कि भाई दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, तो लेट से एक पॉइंट ए था जो कि ये दे रखा -6.10, एक पॉइंट बी है जो कि आपको दे रखा है 3.-8, और ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो बताना है आपने, तो लेट से ये वाला पॉइंट है पी -4.6 -4.6, तो ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखो मैंने आपको ये बात बताई होगी कि बेटा एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम कहते हैं रेशियो फॉर्मूला, तो जब आपको रेशियो निकालना होता है, ये फॉर्मूला कैसे है बेटा, काम किस चीज का हो रहा है, देखो आप खुद चेक करो, ये सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड ही तो बात हो रही है, लेकिन जब आपको रेशियो निकालना होता है ना, तो सेक्शन फॉर्मूले को हमने फर्दर ड्राइव करके रेशियो फॉर्मूला बना रखा है, तो हम उसी से ही क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं समझाता हूं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप समझेंगे। देखो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था कि बेटा वो क्या होता है, वो होता है एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, भाई यही लिखवाया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, और एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ये था सेक्शन फॉर्मूला है ना। अब देखो इसी को हमने क्या करा, इसी से ही हमने जो दूसरा फॉर्मूला हम देख रहे हैं
वो वाला बनाया जाने की रेशियो फॉर्मूला। अब इस बार जब हमें रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं तो हम रेशियो को लेट कर लेते हैं के एस टू वन, तो यानी कि साफ साफ क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई एम वन की वैल्यू के हो गई और एम टू की वैल्यू वन हो गई है। तो इस फॉर्मूले में एम वन और एम टू की वैल्यू आप रिप्लेस कर दो तो नया फॉर्मूला बन जाता है रेशियो फॉर्मूला। तो देखो रेशियो फॉर्मूला क्या बन रहा है, एम वन की वैल्यू के हो गई तो के एक्स टू, एम वन की एम टू की वैल्यू वन है तो वन इंटू एक्स वन करूंगा तो एक्स वन ही आएगा, तो के एक्स टू प्लस एक्स वन और नीचे भी के प्लस वन चेक कर लो। सिमिलरली के वाई टू प्लस में वाई वन अपॉन में के प्लस वन। तो बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ये है हमारा रेशियो फॉर्मूला। और ये कैसे ड्राइव हुआ आपको बात समझ में आ गई होगी होप सो, क्योंकि बेटा हमने कुछ नया कुछ अलग नहीं करा है इसमें, ठीक है, हमने कुछ भी नया या कुछ भी अलग नहीं करा है, हमने बस जस्ट सिंपल क्या करा है कि सेक्शन फॉर्मूले से ही रेशियो फॉर्मूले को ड्राइव किया है। ओके, तो आपने लेट कर लिया यहां पे कि भाई ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, ये इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करते जो लाइन सेगमेंट आता है उसको के इज़ टू वन में डिवाइड करता है ना। तो फाइनली अगर के की वैल्यू मिल जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। ओके ओके समझते हैं। तो देखो यहां से फाइंड क्या हो रहा है बेटा, आपको पता है सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड होता है। तो ये फॉर्मूला तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का ही है, तो ये यानी कि फॉर्मूला तो कोऑर्डिनेट पी का ही है भैया, फॉर्मूला तो कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का ही है। चलिए लिख लें फिर इस बात को, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी डायरेक्टली लिख देते हैं पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और बेटा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बनेगा कोऑर्डिनेट, यही तो बनेगा, तो यहीं से कॉपी पेस्ट कर लें इसको, कर लें भैया कॉपी पेस्ट इसको, ये आ गया यहां पे ये आ गया, और इसके कलर भी थोड़े से चेंज कर लेते हैं। ओके ओके, तो इस पूरे के ही कलर इससे सेम कर लेते हैं। चलिए तो बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब वैल्यू पुट करके बस जस्ट आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ मूव करना है हमने, देखेंगे। अच्छा इस बार पी पॉइंट गिवन है हमें, तो पुट कर ले बेटा पी पॉइंट की वैल्यू माइनस फोर कॉमा सिक्स। इस तरफ देखो पी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू तीन है तो थ्री के हो जाएगा बेटा, भाई पता है ना ये एक्स टू वाई टू होता है और ये एक्स वन वाई वन होता है, प्लस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू माइनस छ है अपॉन के प्लस वन कॉमा के वाई टू, वाई टू की वैल्यू माइनस आठ तो माइनस का आठ के हो गया, प्लस वाई वन, वाई वन की वैल्यू दस चेक कर लो अपॉन में के प्लस वन हो गया। ओके अब देखो एक्स एक्स के इक्वल होता है, वाई वाई के इक्वल होता है, तो इक्वेट करा दे बेटा, सो देयर फोर माइनस फोर विल बी इक्वल टू थ्री के माइनस सिक्स और के प्लस वन, और दूसरा यानी कि सिक्स विल बी इक्वल टू माइनस एट के प्लस टेन अपॉन के प्लस वन। अब k की वैल्यू निकालनी है, यहां से भी आ जाएगी और यहां से भी आ जाएगी, कहीं से भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम यहां से निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको इससे और इसको इससे, तो इन दोनों को इंटू करूंगा तो बेटा क्या आने वाला है थ्री के माइनस सिक्स, और यहां पे इंटू करूं तो माइनस का फोर के माइनस का फोर चेक कर लो, और लाइक टर्म एक तरफ तो थ्री के और प्लस का फोर के, और इस तरफ माइनस का छ प्लस का छ हो गया और ये माइनस का चार एज इट इज, तो तीन और चार सात के, और यहां पे छह में से चार गया तो दो, तो के विल बी इक्वल टू टू बाय सेवन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। अब देखो यहां से भी अगर आप निकालोगे तो सेम ही आएगा, लेकिन मैं एक काम करता हूं कि इसको वेरीफाई करने के लिए के की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब ठीक है, वैसे वेरीफाई की जरूरत नहीं है बट फिर भी बता देता हूं मैं आपको। तो माइनस का आठ इंटू के, के की वैल्यू कितनी है टू बाय सेवन, बस जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं टू बाय सेवन प्लस टेन एज इट इज होल अपॉन में टू बाय सेवन प्लस वन, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसकी जो वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, स्पेस लगेगा मेरे को ना,
यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा भाई, चलेगा, और फिर शिफ्ट कर देंगे। अब देखो ये 6 इक्वल टू कितना आ रहा है, इक्वल टू में आ रहा है, देखो 8 दो 16, एलसीएम ले रहा हूं मैं डायरेक्टली, तो माइनस 16 और 70, 70, ठीक है, और नीचे एलसीएम लूंगा तो 7 और 2 9, और एलसीएम का एलसीएम कैंसिल है ना, 7 से 7 कैंसिल दोनों का एलसीएम, और देखो ऊपर 6, 16 और 70 कितने हो गए बेटा, देखो चेक करो भाई, 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया तो 4, और 6 में से 1 गया तो 5, 54 प्लस का अपॉन में 9, और ये 6 बारी में कट जाता है तो 6 विल बी इक्वल टू 6, हो गया वेरीफाई, चेक कर लो भाई, हो गया वेरीफाई। अच्छा आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है, वो तो हमने कर लिया है, बट आपको वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है भाई। अब देखो आपका क्या आ गया, आपको क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, रेशियो, तो देखो अब आप आंसर लिख दो, रिक्वायर्ड रेशियो, आपने क्या लेट किया था, रेशियो k इज टू 1, तो k की वैल्यू 2/7 इज टू 1, तो बेटा रेशियो कितना आ गया, 2:7, चेक कर लो भाई, रेशियो क्या आ गया, 2:7, चेक कर लो फटाफट से, अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8, अब देखिए जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको इजी लगेंगे उसको हम नहीं करेंगे, उसमें हम आपको हिंट देंगे, है ना। चलिए कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट डिवाइड्स इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ओके देखो समझते हैं, कहता है कि कोई लाइन है, मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है, तो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट है आपका 2, -2, 2, -2, और एक पॉइंट है बी पॉइंट है आपका -7, 4, ठीक है भाई। अब आपको क्या बोला है उस चीज को समझना, कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यहां पे क्या लिखा बेटा, ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि आपके पास इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा, 2 पॉइंट होने चाहिए, लेट्स से एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तभी तो 3 इक्वल टुकड़े आएंगे, चेक कर लो। तो बेटा मेरे को ये समझ में आ गई बात, यहां पे मेरे को एक नहीं 2 पॉइंट चाहिए होंगे, है ना, एक नहीं 2 पॉइंट चाहिए होंगे, लेट्स से एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू, तो इस बार मेरे को क्या करना है, पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना है। तो देखो एक बात हो, अगर ये तीनों इक्वल टुकड़े हैं तो इसका मतलब तीनों इक्वल सेक्शन है, और तीनों अगर इक्वल सेक्शन है तो तीनों का रेशियो सेम होगा बेटा, तो इट मींस 1:1:1 रेशियो ये होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हो बेटा, किसी को तनिक सा भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, है किसी को कोई डाउट, नहीं है। अब बात को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, एक बात हो, यहां पे आप है ना 2 केस बना लो और उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो केस 1, अब आप केस 1 को देखो, आप है ना क्यू पॉइंट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो केस 1 क्या कहता है, केस 1 क्या कहता है उसको समझते हैं, केस 1 क्या कहता है, एक सेकेंड इसको पहले ले आए यहां पे, केस 1 ये कहता है, अब मैंने क्या बोला, आप 2 मिनट के लिए क्यू पॉइंट को भूल जाओ कि क्यू पॉइंट है भी कोई, है ना। अब जब ये क्यू पॉइंट है ही नहीं तो बेटा आप खुद ध्यान से देखो कि ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा पी पॉइंट, किस रेशियो में डिवाइड करेगा बेटा, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और अब मेरे को एक बात बता दो, आप कौन सा ऐसा बच्चा है जो सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी नहीं निकाल सकता, इसके आगे डू योर सेल्फ एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह कर लोगे आप, तो केस 1 समझ में आ गया आपको भाई, केस 1 किसी बच्चे को, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो तो केस 1 आप इस तरीके से कर लेंगे भाई, ये क्या था, ये था केस 1।
ओके, ये था केस वन आपका है। ये क्या था बेटा, ये केस वन था। ओके, अब केस टू देखें एक बार। चलो केस टू देखते हैं एक बार। इस बार जब हम केस टू ले रहे हैं तो कैसे लेंगे समझते हैं। केस टू देखेंगे भाई, केस टू देखते हैं। अब सिमिलरली यार केस टू भी निकाल सकते हो आप इजीली। इस बार आप पी पॉइंट को भूल जाओ दो मिनट के लिए। किसको भूल जाओ, पी पॉइंट को भूल जाओ, पी पॉइंट है ही नहीं। तो जब क्यू ही पॉइंट है तो यहां से यहां तक का रेशियो टू हो गया और यहां से यहां तक का वन है, तो इसका मतलब क्यू पॉइंट इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। चेक कर लो, यही तो आपको समझाना चाह रहा था मैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको बात ना समझ में आई हो? नहीं है ना भैया, कोई प्राणी ऐसा नहीं है ना। ओके, चलिए भाई, अब आप बिल्कुल सेम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्योंकि कोऑर्डिनेट आप निकाल पाओगे, उम्मीद करता हूं कि निकाल लोगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत लग रही है बेटा? अगर किसी को दिक्कत लग रही है तो आप मेरे को बता देंगे, आप मेरे को बता देंगे। देखो चलो एक काम करता हूं, इसके कोऑर्डिनेट मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। तो बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट दैट इज एक्स कॉमा वाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पी पॉइंट। देखो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है, कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एम वन वन है, चेक कर लो। एक्स टू माइनस सेवन है प्लस एम टू टू है और एक्स वन भी टू है, चेक कर लो भाई। अपॉन में एम वन प्लस एम टू यानी कि वन प्लस टू कॉमा एम वन वन है, वाई टू फोर है, चेक कर लो बेटा, फोर है, फोर। एम टू कितना है, एम टू टू है और वाई वन माइनस का टू है, ठीक है भाई, ठीक है। और एम वन प्लस एम टू यानी कि वन प्लस टू, ठीक है, चलेगा बिल्कुल चलेगा। चलिए जब चलेगा तो फिर आगे चला लेते हैं इसको, थोड़ा सा साइड करके हल्का सा छोटा भी कर लेते हैं। ओके, देखते हैं आगे, हैं आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं बेटा आगे देखते हैं। ओके, आप दोनों कहां आ रहे हो? ओके, तुम ऊपर जाओ थोड़ा सा बेटा। अब देखो भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, पी पॉइंट आपका निकलता हुआ नजर आ रहा है, कितना, माइनस का सेवन और टू टू द फोर अपॉन में थ्री कॉमा फोर और टू टू द फोर माइनस का अपॉन में थ्री। भाई देखो ना, फोर वन द फोर और टू टू द फोर माइनस का। ओके, अगले स्टेप में आंसर है, अगले स्टेप में आंसर आ जाएंगे। देखो सात में से चार गया तो बचा तीन माइनस का, और तीन को तीन से डिवाइड किया तो माइनस का वन बचेगा भैया, तो पी की वैल्यू माइनस वन और यहां पे तो जीरो आ गई। तो यही आंसर है आप लोगों का। ओके, ठीक है बच्चों, हाँ अभी दिख रहा होगा आपको, ठीक है भाई। तो ये तो पहला आंसर आ गया है। अब सेम दूसरा वाला आप केस टू डू योर सेल्फ
सेम एज केस वन, केस वन की तरह आप डिट्टो सेम कर देना तो आपके दोनों पॉइंट्स निकल जाएंगे, यानी कि आपके दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9। तो लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखो थोड़ा सा ना आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको इसके बारे में पता है, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब ये दोनों पॉइंट है 5 और 6, बहुत ध्यान समझना, 5 और 6। भाई x की वैल्यू 5 प्लस क्या है यहां पे होगी और y की वैल्यू 6 माइनस किया तो यहां पे होगी। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट आएगा वो कहां पे आएगा, समथिंग समथिंग यहां पे आएगा, ऐसा मान लेते हैं 5.6 यहां पे पॉइंट आ रहा होगा। तो ये मान लिया कि भैया ये 5.6 पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था -1 -4, तो -1 तो यहां पे आएगा और -4 लगभग यहां पे आएगा, तो -1 -4। ये अंदाजे से बता रहा हूं आपको, है ना, नॉट एग्जैक्ट नॉट एक्यूरेट बट अंदाजे से। तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो यही बनेगा। भी इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, है क्या? ओके ओके ठीक है भाई। तो यार आपने खुद रे नोटिस किया कि इस लाइन सेगमेंट ने वाई एक्सिस पे कट लगा दिया, भाई वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हुआ ये, तो वो यही तो कहता क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो वाई एक्सिस इस लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, मैंने उस रेशियो को K:1 मान लिया, समझना बात को। तब आपसे बोला कि किस रेशियो में डिवाइड करे, तो वो रेशियो तो चलो K:1 हो गया। अब कहता है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये वाला पॉइंट भी निकालना है, ये जो पॉइंट भाई इस पॉइंट पे तो डिवाइड हुआ है, तो लेट्स से ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट क्या होगा, x कॉमा y हम मानते हैं, लेकिन क्योंकि ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे x जीरो होता है, जीरो क्या होता है, x जीरो, और y की वैल्यू समथिंग जो भी आएगी यहां पे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से हजम हुई होगी, और अगर ये बात आपको हजम हो गई है तो फिर डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, है ना। क्योंकि देखो आपको फील होना चाहिए, फील होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, इसलिए मैंने क्या किया आपको ड्रॉ करके दिखाया है ना। चलिए अब आपको एटलीस्ट फील हुआ होगा, तो अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो मैंने आपको रेशियो फॉर्मूला बताई दिया, भाई यहां पे रेशियो की बात, तो मैं रेशियो फॉर्मूले से जाऊंगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट दैट इज एक्स कॉमा वाई। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो के एक्स टू मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया है, प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन कॉमा के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं पी पॉइंट, भाई पी पॉइंट की वैल्यू चेक करो, जीरो कॉमा वाई है, तो एक्स जीरो वाई वाई है। अभी राइट हैंड साइड में पी के, के तो के है, एक्स टू कितना है, देखो के एक्स टू 5 है, तो 5 के लिख दूं, एक गड़बड़ ना हो जाए यार, एक गड़बड़ ना हो जाए। अगर मैं आपको ऐसे कराऊंगा तो बच्चों एक छोटी सी है ना गड़बड़ हो सकती है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये जो है ये तो मतलब मेन फिगर हो गई है ना, इसको मैं थोड़ी सी रफ फिगर में बनाता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, है ना। चलिए देखेंगे, तो मैं आपको यहां पे साइड में बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज की। तो ए पॉइंट जो था, लेट्स से पहले वाले पॉइंट को ए पॉइंट मानते हैं, यानी कि 5 कॉमा -6, दूसरे वाले पॉइंट को बी पॉइंट मानते हैं, यानी कि -1 कॉमा 4। ठीक है बच्चों, और लेट्स से यहां पे कोई पॉइंट पी रहा होगा जो कि क्या था बेटा, 0 कॉमा y था, और हमने माना था K:1 में डिवाइड हो रहा है। हाँ देखा, तो ये चीज मैं कह रहा था के एक्स टू, एक्स टू तो यहां पे -1 है ना, ठीक है भाई, के एक्स टू, तो देखेंगे, तो के एक्स टू
चेक कर लो, ठीक है, के एक्स टू, तो के एक्स टू भाई के डायरेक्ट लिख दू यहां, तो भाई के को माइनस वन से डिवाइड कर इंटू करूंगा तो माइनस के आ जाएगा, प्लस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू माइनस कितनी है पांच, तो प्लस का पांच, ठीक है, ओके अपॉन में के प्लस वन, ओके। लेकिन मैं ना एक बार चेक जरूर करूंगा उधर से, के वाई टू, वाई टू कितना बेटा, वाई टू माइनस चार है तो माइनस का चार के हो जाएगा, माइनस का चार के, और वाई वन कितना, माइनस का छह अपॉन में के प्लस वन, ओके ओके। इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ छोड़ो भाई, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं हम, तो इसके आगे क्या करेंगे वो देखते हैं। देखो इसके आगे मैं एक काम कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, कर दे भाई इक्वेट, चलो कर देते हैं, देखते हैं भाई जीरो बराबर क्या हो गया, जीरो बराबर हो गया माइनस के प्लस फाइव अपॉन के प्लस वन, ठीक है, और दूसरा, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया आपका माइनस का फोर के माइनस सिक्स अपॉन में के प्लस वन, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो खत्म हो गया जीरो, है ना, तो क्या हो गया भाई, ये तो जीरो से ओके इंटू ओके खत्म हो जाएगा, तो जीरो बराबर माइनस के प्लस पांच आएगा, तो माइनस के इधर आके प्लस का के हो गया, तो यानी कि के बराबर पांच आएगा, ठीक है भाई। अब k की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं तो y निकल जाएगा हमारा, मैं बताता हूं आपको, माइनस फोर इंटू के की वैल्यू फाइव माइनस सिक्स अपॉन फाइव प्लस सिक्स, मतलब फाइव प्लस वन, और देखो कितना आ गया बेटा, चार पंजे बीस माइनस का बीस माइनस का छ अपॉन में छ, तो यहां पे करते हैं यहां पे साइड में, तो y इक्वल टू भाई, y इक्वल टू बीस और छह छब्बीस, ट्वेंटी सिक्स माइनस का अपॉन में छ, और कैंसिल करके y बराबर माइनस का तेरह अपॉन में तीन, चेक कर लो। अब मैं एक बार है ना पहले आंसर चेक कर लेता हूं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आंसर चेक करने के लिए एक काम करते हैं, एनसीईआरटी बुक खोलते हैं, है ना, एनसीईआरटी बुक खोल लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था इसका, आठवा नहीं नौवा, नौवा कर रहे थे ना हम नाइन्थ एग्जाम्पल। तो के की वैल्यू हमारे बिल्कुल ठीक है पांच, और पॉइंट भी हमारा बिल्कुल ठीक आया है ना, तो यानी कि हमारा आंसर तो भैया बिल्कुल ठीक है, क्रॉस चेक हो चुका है। बट एक मेरे को जो डाउट था वो डाउट अभी भी मेरे मन में है, उस डाउट को मैं जरूर सॉल्व करूंगा। तो देखो पहले हम आंसर लिख दें अपना, फाइनल फाइनल आंसर लिख लें एक बार, उसके बाद अपने डाउट सारे हम पुटअप कर लेंगे, है। तो पहले जो है थोड़ा सा आंसर को फाइनलाइज कर लिया जाए। ओके अब देखते हैं, देखते हैं भाई। तो देखो यहां से, यहां से तो आ गया रेशियो भाई, रिक्वायर्ड रेशियो लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो भाई, रिक्वायर्ड रेशियो निकालना था जो कि आपने माना था के एस टू वन, अब के की वैल्यू है फाइव, तो फाइव एस टू वन रेशियो हो गया, चेक कर लो भाई। आपसे बोलता हूं ना फाइंड द रेशियो, तो रेशियो निकल गया फाइव एस टू वन, तो इसको उठा के तो पहले इधर ले आते हैं, ठीक है भाई, आ जाओ भैया। हाँ तो ये तो हो गया रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है भाई, चलेगा चलेगा ना बच्चों। ओके 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 ठीक है भाई, तो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया बेटा। अब रिक्वायर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो रिक्वायर्ड पॉइंट भाई, रिक्वायर्ड पॉइंट कौन था, था ये वाला था रिक्वायर्ड पॉइंट, पी पॉइंट, दैट इज पी पॉइंट जीरो कॉमा वाई,
तो पी पॉइंट जीरो कॉमा वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाई की वैल्यू माइनस थर्टीन बाय थ्री, थर्टीन बाय थ्री, थर्टीन बाय थ्री। ओके, तो क्वेश्चन यहां से होता है अपना कंप्लीट। भाई क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, बट जो एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि अगर मैं इस फिगर के थ्रू कर रहा था तो यार मेरा फॉर्मूला है ना कुछ ऐसे बन रहा था। देखो ऐसे करके है ना, और अगर मैं ऐसे फॉर्मूला लगाता हूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आंसर सेम रहेगा या बदलेगा। तो मैं रफ में चेक कर रहा हूं, है ना, के एक्स टू तो पांच के प्लस एक्स वन माइनस वन अपॉन के प्लस वन, और आपका पॉइंट ये था, तो यानी कि ये जीरो से इक्वेट हो जाएगा। और दूसरा क्या था, के वाई टू तो छ के, और प्लस वाई वन माइनस फोर अपॉन के प्लस वन, और ये वाई से इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो खत्म हो गया, तो यहां पे कितना आया, पांच के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो पांच के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो पांच के इक्वल टू वन, तो के इक्वल टू वन बाय फाइव, तो रेशियो जो आ जाता वो कितना आ जाता बेटा, चेक करो भाई, रेशियो जो आ जाता वो आ जाता के इज टू वन, तो के की वैल्यू वन बाय फाइव इज टू वन, तो वन इज टू फाइव भाई रेशियो बनता ही है। और मेरे हिसाब से यही रेशियो बन भी रहा है, देखो ना ये वन पोर्शन और ये फाइव पोर्शन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है, बट हम अपना क्या आया, फाइव इज टू वन, अपना उल्टा आ रहा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझते फील करते हैं। अब इधर देखते हैं भाई, इधर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम वाई की, तो वाई भी चेक कर लेंगे क्या वाई सेम आ रहा है, तो सिक्स, थोड़ा सा इसको स्पेस ही होगा, है ना, हल्का सा स्पेस ही होगा, तो चलो इसको और साइड में कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलेगा बच्चों, इसको वापस से ले आएंगे चाहे तो, अभी तो चलेगा ना। अब देखो मैं जो कह रहा था वो ये, तो सिक्स के की वैल्यू कितनी बेटा, के की वैल्यू वन बाय फाइव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस फोर एज इट इज अपॉन में के की वैल्यू वन बाय फाइव प्लस वन। अब देखते हैं एलसीएम लेते हैं तो क्या आने वाला है। देखो छ कम छ, ऊपर तो छ आएगा, नीचे पांच चौक बीस आएगा माइनस का, और एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो पांच पांच और एक छ आएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू जो आने वाली है समथिंग समथिंग, वाई इक्वल टू बीस में छ गया माइनस का चौदह, है ना, चार पंजे बीस में से छ गया तो माइनस का चौदह, ठीक है, अपॉन में छ, तो वाई विल बी इक्वल टू माइनस का सात अपॉन में तीन। तो वाई जो आ रहा था वो समथिंग समथिंग सेवन बाय थ्री आ रहा था, है ना। ओके ओके ओके, चले ठीक है। देखो आप लोगों से एक विनती है, जो आपका पहला पॉइंट होता है ना, आप एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने का रीजन ही ये था, हमारा आंसर तो आ चुका था यहाँ पे, लेकिन देखो आंसर डिफर कर गया है ना, इसका करने का रीजन यही था कि जो आपका पहला पॉइंट गिवन होता है आप अपने पहले पॉइंट को ही एक्स वन वाई वन माने और दूसरे पॉइंट को ही आप एक्स टू वाई टू माने, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, है ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको तो हम हटा देते हैं यहां से, ये किसी काम का नहीं है, ये बस चेक करना था, हमने चेक कर लिया है। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को हम वापस ले आते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ रफ रफ फिगर थी जिससे कि आपको ये समझाया जा सके कि पॉइंट कौन सा आ रहा है और किस तरीके से वो डिवाइड हो रहा है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टेन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर टेन से है। तो एग्जाम्पल नंबर टेन में लिखा है भाई, क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर टेन में, एग्जाम्पल नंबर टेन में लिखा है कि इफ द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ओके, मतलब कि ये जो वर्टिसेस हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा सही होता है बेटा, ठीक है भाई, चलेगा पैरेललोग्राम ऐसा सही होता है। ओके, चलेगा चलेगा। अच्छा ये बात हम जानते हैं बेटा, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं
पता है आपको जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा, बाइसेक करते हैं। ओके, अरे बाप रे बाप, एक तो जल्दी बनता नहीं है यार, बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, सीधी लाइन नहीं आती है पॉइंट से। आ जा आ गई। चलिए भाई, ठीक है ना, ठीक ठीक सा लग रहा है। तो जो इसी पे लिख लेते हैं पहले, रुको। अब इनके जो वर्टिसेस हैं वो क्या हैं बेटा, वर्टिसेस ए, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लें, छोटे छोटे लिख लें। तो ए कितना है, 6.1, ठीक है भाई। बी कितना है, 8.2, सी इज 9.4 एंड डी इज P.3, ठीक है भाई। ये आपके इसके वर्टिसेस हैं और आपने P की वैल्यू बतानी है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था इसमें, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि बेटा याद रखना आप लोग एक बात को कि डायगोनल पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते ईच अदर। यानी कहने का मतलब ये है भाई, कहने का मतलब ये है कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है बच्चों। ये ओ सेंट पॉइंट मान के हमने, तो यानी कि ओहो ये कैसे हिल गया, ये कैसे हिल गई है लाइन, ये लाइन कैसे हिल गई है भैया, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, ये अपना ओ सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। तो ओ जो होता है वो क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट होता है। यानी कि बाइसेक्ट, अगर ये पॉइंट यहां ये बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होगा कि ये वाली साइड इसके बराबर है तो ओ एसी का मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली ये वाली साइड इसके बराबर है तो ओ जो है वो बीडी का भी मिड पॉइंट हो गया, है ना। तो इसका मतलब यार ये हुआ कि ओ इज अ कॉमन मिड पॉइंट, है ना, फॉर किस किस के लिए बेटा, फॉर एसी एंड बीडी के लिए, ठीक है। तो चलिए इस बात को है ना पहले लिख के दिखाते हैं। तो सिंस वी नो दैट since we know that the diagonal of a parallelogram bisect each other, ठीक है, bisect each other। तो भैया सिंस वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये बात हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताते हैं आप लोगों को। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ओ जो है वो मिड पॉइंट एसी का और बीडी का है ना। तो चलिए देयरफॉर ओ is the midpoint of AC and BD respectively, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब भाई क्या हुआ कि O जो है वो दोनों का midpoint है, और अगर O दोनों का midpoint है तो O तो एक ही point है ना, और एक ही point है तो दोनों में बराबर होगा, है ना। तो चलिए अब हम midpoint formula का use कर लेते हैं, आगे की बात करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी बराबर हो गया मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ठीक है भाई, मिड पॉइंट ऑफ बीडी चलेगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन फॉर्मूले से हमने ड्राइव करके क्या बनाया था, रेशियो फॉर्मूला कैसे बनाया था बेटा, के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन कॉमा के वाई टू
प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। भाई यही था। अब आप एक बात बताना, मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब क्या है कि बेटा यहाँ पे जो पॉइंट है वो मिड पे है ना, यानी कि ए और बी कोई दो पॉइंट है और यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो मिड पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेशियो के इज टू वन की जगह क्या हो जाएगा, रेशियो वन इज टू वन, क्योंकि बेटा सेगमेंट इक्वल है। भाई दोनों सेगमेंट इक्वल है तो वन इज टू वन हो जाएगा, तो के की वैल्यू वन पुट कर दो इसमें। तो क्या बना बेटा, एक्स वन तो ऐसी रहा, ये बना वन इन टू एक्स टू यानी कि एक्स टू, तो एक्स वन प्लस एक्स टू के प्लस वन, भाई वन प्लस वन करेंगे तो टू। सिमिलरली वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी से ड्राइव होके ये बन जाता है, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई बात। ओके 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 ओके, अब देखते हैं इसको यूज करते हैं यहां पे है। तो देखो एसी का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया क्या होता है, भाई लिख भी देता हूं, चलो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। खैर इसको साइड में ले लेते हैं, इसको यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में रखने का कोई फायदा नहीं है, साइड में रखते हैं इसको यहाँ पे है। अब देखते हैं बेटा, देखो x1, अब जब मैं AC की बात कर रहा हूं तो AC के लिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो x1 plus x2 upon 2 यानी कि 6 plus 9 upon 2 है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं 6 plus 9 upon 2, कोई डाउट नहीं है। फिर y1 plus y2 upon 2, तो y1 plus y2 यानी कि 1 plus 4 upon 2, 1 plus 4 upon 2, ठीक है भाई, इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब BD का मिड पॉइंट देखते हैं, तो बी और डी बेटा एक्स वन प्लस एक्स टू यानी कि एट प्लस पी, एट प्लस पी अपॉन टू कम वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, तो टू प्लस थ्री अपॉन टू, ठीक है भाई, टू प्लस थ्री अपॉन टू। ओके, और ये दोनों ही पॉइंट इक्वल है क्योंकि दोनों ही पॉइंट क्या है बेटा, ओ पॉइंट है ना। ओके अब देखेंगे भाई, नौ छह पंद्रह बाय दो चेक कर लो, ये हो गया 15 बाय 2 कॉमा, ये हो गया 4 एक 5 बाय 2, ठीक है, इक्वल टू में 8 प्लस पी अपॉन 2 कॉमा 3 दो 5 अपॉन 2। अब आपको ये पता है कि x x के इक्वल और y y के इक्वल, तो 5 बाय 2 5 बाय 2 तो वैसे भी इक्वल आ गए, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो देखो कितना हो गया बेटा 15 बाय 2 इक्वल टू 8 प्लस पी अपॉन 2, तो अपॉन 2 से तो अपॉन 2 कैंसिल हो गया, p की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 उधर जाके माइनस होगा तो p की वैल्यू 7 आ जाएगी, चेक कर लो, तो p इक्वल टू 7, भाई p इक्वल टू 7 आ गया, कोई डाउट है, आपने p ही निकालना था। अच्छा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, p इक्वल टू 7, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। होप्स हो कि आपको बहुत बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो इसमें 10 एग्जाम्पल थे मतलब टोटल, है ना। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन, यानी कि आप के लिए जो होमवर्क रहने वाला है वो ये है कि आप एक्सरसाइज 7.2 पूरी कंप्लीट कीजिए अपनी होमवर्क नोटबुक में, है ना। वैसे तो आपको कोई डाउट आएगा नहीं, बट अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इसका सॉल्यूशन भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग।